कॉल लगाती है और उनको बताती है कि इस नंबर पर अभी के अभी 1,00,000 ट्रांसफर की पुलिस की छापेमारी जारी है। तो बेसिकली हमारा बताने का मतलब है कि आप खुद को स्मार्ट न समझे कि मेरे में इंडियाज क्राइम रेट वाज 129 पर लाख पॉपुलेशन, मतलब इन लोगों ने ढूंढ करके निकाल लिया है जहां से आपके साथ इसके आपको 4,800 का मैसेज आ गया कटने का, ठीक है। अब ये होता है आप उसको पैसा देना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे आप उसको पैसा देना शुरू करते हैं वो और पैसे की डिमांड करती है और फिर पैसा देते हैं, फिर और ओएलएफ पर जाकर के बेच दो। तो अगर किसी को कोई पुराना सामान चाहिए होता है, कहते हैं कि ध्यान से सुनी हुई बातें और संभाल कर रखी हुई चीजें कभी न कभी काम आ ही जाती है, और आज जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं वो कभी न कभी नहीं बल्कि अक्सर काम आने वाली है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये 20 से 25 मिनट का समय डेफिनेटली आपको कभी ना कभी आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से, आपको तबाह होने से रोक सकता है। सो जय हिंद योद्धा, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं योद्धा एकेडमी, वेयर यू गेट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एजुकेटर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन धोखेबाज का मकर जाल, ठीक है। तो ये ऑनलाइन धोखेबाज क्या है, कौन है, अभी हालांकि कुछ एक कंट्रोवर्सी चल रही है तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट चीज है। तो देखते हैं, ये देखिए, ये है मालती वर्मा, ये मालती वर्मा है, आगरा की एक शिक्षिका है, एक स्कूल में पढ़ाती है। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, क्या जरूरी है इनका ये फोटो यहां पर लगाने की और इनके बारे में बताने की। तो जानिए कि ये जो मालती वर्मा है, आज से 3 दिन पहले की घटना है, इनके मोबाइल पर एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, 15 मिनट के अंदर आप मुझे गूगल पे में 1,00,000 रुपया सेंड कीजिए तो आपकी बेटी को छोड़ दिया जाएगा। अब ये इतनी हड़बड़ा जाती है कि कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ और अब मैं करूं तो क्या करूं। तो ये कहती है कि मुझे गूगल पे चलाने नहीं आता है, कहा कि वो सब मैं नहीं जानता हूं, आप मुझे 15 मिनट के अंदर मेरे खाते में 1,00,000 रुपया आ जानी चाहिए तो मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। और हां, ये बातें किसी को नहीं बताना है, अदरवाइज अगर बातें रिवील होती है तो फिर आपकी इज्जत तो गई, कहानी खत्म है आपका। ये क्या करती है कि अपने बेटे को कॉल लगाती है और उनको बताती है कि इस नंबर पर अभी के अभी 1,00,000 रुपया ट्रांसफर करो। वो कितनों पूछते रह जाते हैं लेकिन ये बताती नहीं है। एनीवे, किसी तरह से घर वालों को ये पता चल जाता है कि आखिर क्यों ये परेशान है, और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तब पता चलता है कि वो एक फर्जी कॉल था, फ्रॉड का कॉल था जहां पर कि इनको फंसाया जा रहा था। लेकिन ये इतने सदमे में आ चुकी थी कि सदमा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। तो ये है साइबर क्राइम। तो बेसिकली हम आज यहां साइबर क्राइम की ही बात करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये चूंकि कम पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है टेक्नोलॉजी को मतलब इनका इतना ज्ञान नहीं होगा, तो आप क्या अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं या फिर कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। तो आइए हम मिलते हैं इन शख्स से, इनको देखिए गौर से, आपको क्या लग रहा है। ये है एसपी ओसवाल पंजाब से, श्री पॉल ओसवाल। और ये बंदा कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं और इनके साथ क्या घटना घटित हुई है वो भी हम जानते हैं। तो ये है वर्धमान ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल्स के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरपर्सन आप इसको बोल सकते हैं, उनके मालिक हैं। और इनकी जो कंपनी की नेटवर्थ वैल्यू है वो 23,000 करोड़ से भी ज्यादा की है और ये भी इस साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। आज से मात्र 6 दिन पहले की बात है, आज जो डेट है
6/10/2024 के डेट में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज से जस्ट 6 दिन पहले इनके साथ क्या हुआ एक घटना वो आप सुनिए। एक फ्रॉड का कॉल आता है इनके पास, वो खुद को सीबीआई बताता है और इनको कहता है कि आपका जो है कुछ आइडेंटिटी यूज करके ये सारा चीज क्राइम किया जा रहा है, और बजाबते कोर्ट के तरफ से आपका अरेस्ट वारंट निकला है और इनको स्काइप पर लेकर के लगातार 2 दिन तक इसका जो है पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया। एक जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है कोर्ट का, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर मोहर लगा हुआ था, उनका सिग्नेचर किया हुआ था और इनके नाम से अरेस्ट वारंट था, और इनको बताया गया कि अगर आप चाहते हैं कि मैटर को रफा दफा किया जाए तो आप फला फला अकाउंट पर जो है इतना पैसा भेजिए। अमाउंट कितना था वो सुनकर के आप हिल जाएंगे। अमाउंट था 7 करोड़, और इन्होंने वो 7 करोड़ अमाउंट ट्रांसफर भी किए अलग अलग अकाउंट पर। और जैसे ही ये सारा चीज हुआ, जब इनको रियलाइज हुआ कि मेरे साथ स्कैम हो गया, तुरंत ही इन्होंने रिपोर्ट किया साइबर क्राइम पोर्टल पर, और उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन में आई। हालांकि 5 करोड़ 25 लाख रुपए का लगभग रिकवरी हो चुका है और बाकी पुलिस की छापेमारी जारी है। तो बेसिकली हमारा बताने का मतलब है कि आप खुद को स्मार्ट ना समझें कि मेरे साथ कभी स्कैम नहीं हो सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे साथ भी साइबर क्राइम हो चुका है, कब और कैसे वीडियो में हम आगे बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से कि आखिर ये साइबर क्राइम अथवा साइबर फ्रॉड होता क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, कैसे हमारे साथ घटित होता है, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाता है इनकेस हमारे साथ तो इमीडिएटली हमको क्या करना चाहिए। देखिए ये कुछ एक रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 2019 से लेकर के 2024 तक में, ये 5 साल के दरमियान, जो साइबर क्राइम है उनका रेट रैपिडली बढ़ा है। आपको लग रहा होगा कि डिजिटली हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं, हमारी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो स्कैमर होते हैं, ये जो क्रिमिनल होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, ये आपसे हमेशा 5 कदम आगे सोचती है। बजाबते ये इनके लिए ट्रेनिंग लेती है, और अगर हाई लेवल का कोई साइबर क्राइम करना हो तो इसके लिए ये विदेशों से जाकर के ट्रेनिंग लेता है और फिर आपको यहां आकर के लूटता है। आपको हम बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट यह बताती है कि साइबर क्राइम के मामले में हमारा देश भारत 10वें पायदान पर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 2019 में जो साइबर कंप्लेंट्स किया गया था वो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास था, वहीं 2020 में इसका आंकड़ा बढ़कर के सीधे जंप लगाया और 2,57,000 हो गया, और 2021 में 4,52,000 प्लस हो गया, और 2022 में 9,66,000, और 2023 में ये ग्राफ देख लीजिए सीधे जंप किया, 15,56,000 प्लस कंप्लेंट्स दर्ज हुई, और इस 2024 में मात्र 4 महीने में 7,40,000, यानी कि अभी और 8 महीने का आंकड़ा आना बाकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 20 लाख प्लस का आंकड़ा जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब वो कंप्लेंट्स हैं जो कंप्लेन किया गया है, ये एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, ये वही आंकड़ा है जो किया गया है। जबकि जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं, जहां तक अगर आप लोग मुझे जान रहे हैं, तो मुझे पता है कि 5 में से मुश्किल से 1 अथवा 2 केस ही जो है कंप्लेन किया जाता है, बाकी उसको छोड़ दिया जाता है कि चलो कौन इतना झंझट मोड़ लेता है। तो आप एक एक्चुअल अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो साइबर क्राइम का रेट है वो कितना बढ़ा है। अब देख लीजिए साइबर क्राइम रेट जो है 2023 में इंडियाज क्राइम रेट वाज 129 पर लाख पॉपुलेशन, मतलब हर 1 लाख व्यक्ति में से 129 आदमी जो है वो साइबर क्राइम का शिकार हुआ।
साइबर अटैक्स ऑन बिजनेसेस, बिजनेस पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ा है। अकॉर्डिंग टू ए चेक पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट, इंडिया बिजनेस फेस ओवर 3000 साइबर अटैक्स पर वीक, यानी कि हर सप्ताह 3000 से ज्यादा साइबर अटैक होता है बिजनेस के रिगार्डिंग। और साइबर क्राइम लूजेस दी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री एस्टिमेट दैट ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कॉस्ट द इंडियन इकोनॉमी रुपीज 70,000 करोड़ एनुअली, और हर साल लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा का इंडियन इकोनॉमी को लॉस होता है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। आगे हम देखते हैं, ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का ये रिपोर्ट है, 27 मई 2024 को इसे पब्लिश किया गया था। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर 14C स्टेटेड दैट इन मई 2024 एन एवरेज ऑफ 7,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स वेयर रिकॉर्डेड डेली। मई 2024 में बताया जा रहा है कि एवरेज 7,000 क्राइम कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी डेली बेसिस पर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रत्येक दिन हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा साइबर क्राइम, आप डिजिटल स्कैम बोल लीजिए, ऑनलाइन फ्रॉड बोल लीजिए, ऑनलाइन क्राइम बोल लीजिए, जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, ये सारी चीजें कितनी तेजी से हो रही है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि साइबर क्राइम अथवा साइबर फ्रॉड होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम इस साइबर क्राइम से बच कैसे सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अगर रोड एक्सीडेंट, ये तो देखिए तय है, हो सकता है आज ना हो कल ना हो, या फिर आप इसके शिकार हो चुके होंगे, या फिर हो सकता है भविष्य में होंगे, तो होना संभावना है कि हो सकता है। तो जिस तरह से कि रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसके पहले हम प्रिकॉशन लेते हैं कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि हमारी रोड एक्सीडेंट ना हो, और अगर हो जाता है तो किस तरह से इमीडिएट हमको क्या एक्शन लेना है, उस चीज पर चर्चा करेंगे। तो यहां भी हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं, और बाई दिवे के लिए अगर हमारे साथ किसी तरह की कोई इंसिडेंट हो जाती है तो उसको हमें कैसे टेकल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइबर फ्रॉड अथवा साइबर क्राइम क्या होता है। देखिए, आज से अगर 20 साल 30 साल पहले की बात किया जाए तो पहले यह सब नहीं होता था, क्राइम होता था चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्राइम हो, स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, उसका रुपया ठगा जा रहा है, या फिर हो सकता है किसी तरह से उसको फंसाया जा रहा है, ये सारा चीज होता है। लेकिन साइबर क्राइम का मतलब होता है कि डिजिटली जब आपके साथ किसी तरह का कोई क्राइम किया जाता है, आपके साथ किसी तरह का कोई स्कैम किया जाता है, कोई फ्रॉड किया जाता है, तो वो कहलाता है साइबर क्राइम अथवा साइबर फ्रॉड। और अब हम देखते हैं कि इनके लगभग कितने टाइप्स हैं, किस किस तरह से ये साइबर क्राइम होता है। तो देखिए, जैसे कि रीसेल वेबसाइट्स बना दिया है ना, कि ये आपका वेबसाइट्स है, आप चाहे तो यहां पर जो है आकर के कोई चीज या तो बेच सकते हैं, या फिर कहीं से सामान खरीद करके आप इस जगह पर जाकर के बेच सकते हैं, बेसिकली वो फ्रॉड होता है। फर्जी कस्टमर केयर, आप में से सभी को लगभग कभी ना कभी फर्जी कस्टमर केयर का कॉल आया ही होगा, जैसे कि फ्री रिचार्ज कैशबैक, मुकेश अंबानी के बेटे का शादी के खुशी में जो है कभी कभी वो फ्री रिचार्ज का प्लान चलते रहता है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम मतलब कि सर आपने ये सामान खरीदा था, यहां पर जाकर के सामान परचेज किया था या ऑनलाइन परचेज किया था, वहां पर आपकी सर लॉटरी निकल गई है, आपका नंबर सिलेक्ट किया गया है, इस तरह का हो गया। अश्लील वीडियो कॉल, इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। और ये ब्लैकमेलिंग हो गया, जैसे कि किसी भी ये ब्लैकमेलिंग के बारे में भी हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। और लोन के रिगार्डिंग, जैसे कि लोन मतलब इतने रेट पर आपको लोन मिल जाएगा, इतना आपको लोन मिल जाएगा, अभी तुरंत लोन मिल जाएगा, बिना डॉक्यूमेंट के लोन मिल जाएगा, ये सब स्कैम होता है। और इतने तरह से ये बस कुछ एक है, बाकी सैकड़ों ऐसे तरीका इन लोगों ने ढूंढ करके निकाल लिया है जहां से आपके साथ स्कैम किया जा सकता है। तो सबसे पहले अभी हम जानते हैं 4-5 जो मुख्य जो आजकल ट्रेंड में है, जहां पर कि लोग आजकल फंस रहे हैं, हम 4-5 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डिजिटल अरेस्ट।
ये नया वर्ड है, हालांकि ये लीगल वर्ड नहीं है, कानून में कहीं नहीं लिखा गया है कि डिजिटल अरेस्ट भी होता है, लेकिन ये एक नया शब्द आजकल उभर करके सामने आ रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, अभी जो जस्ट पहले हमने दो इंसिडेंट आपको बताया वो एक्चुअल में डिजिटल अरेस्ट ही था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो आपको किसी न किसी तरह से हैक कर लेता है आपके ब्रेन को, और आपको ये महसूस करा देता है कि हाँ भाई आप हमारे कंट्रोल में हैं, है ना। आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, और जब तक कि हमारी ओर से किसी भी तरह का कोई क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक आप हमारे अंडर में हैं। तो इसी को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने कहीं पर सुना था कि उसमें क्या किया था उसको, कि एक व्यक्ति जो है उनको कहीं घूमने के लिए जाना था विद फैमिली, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है गूगल पर जाकर के सर्च करते हैं कि क्या कोई ऐसा वहां पर होटल वगैरह है जो ऑनलाइन बुकिंग होता है। तो जैसे ही गूगल पे जाता है, वहां पर सर्च करता है, वहां पर एक नंबर दिखता है कि भाई हाँ ये है। अब वो व्यक्ति उस बंदा को कॉल करते हैं, जैसे ही वो बंदा उधर से उठाते हैं तो वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल वे में बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, और ऐसा है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से, एक प्रॉपर क्रेडिट कार्ड से अगर आप यहां पर पैसा पे करते हैं 50% अभी पहले, तो आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब होता यह है कि वो बंदा मान जाता है क्योंकि वहां पर डिस्काउंट भी मिल रहा है और उनको जरूरत भी है, तो वो क्या करता है कि कुछ पैसा समथिंग 4,000 अथवा 5,000 के आसपास जो है, 4,800 रुपया का जो है उनका वो बन रहा था, तो उधर से मैसेज आता है हाँ ठीक है आपको 4,800 का मैसेज आ गया कटने का, ठीक है। अब ये इधर से ओटीपी बताता है, उसके बाद वो कहते हैं कि सॉरी सर ऐसा है कि ओटीपी एक्सपायर कर गया, आप दोबारा से जरा बताइए ओटीपी। ये फिर से ओटीपी बताता है, उसके बाद फिर उधर से मैसेज आता है 4,800 का, ये देख लेता है कि 4,800 का है, उसके बाद फिर से ये जो है ओटीपी बताता है उनको, और उधर से फिर से रिप्लाई आता है कि सॉरी सर ओटीपी फिर से एक्सपायर कर गया, एक बार फिर से बताइए। और ये सिलसिला कुछ देर तक चलते रहता है, और फाइनली जो है इनके पास वो कॉल करते हैं कि सर तेजी में जरा ओटीपी बताइएगा, और जैसे ही उधर से ओटीपी आता है और ये ओटीपी फट से बता देता है, और जैसे ही ओटीपी बताता है इनको मैसेज आता है 4,80,000 रुपया डिडक्ट होने का। तो बेसिकली होता क्या है कि ये आपको पूरी तरह से नर्वस कर देता है और बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी वाला सीन क्रिएट कर देता है। ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा था, वो जानबूझ करके ओटीपी डाल ही नहीं रहा था, और जब ये सीन क्रिएट हो गया बस फट से 4,80,000 का वहां से डिडक्शन कर लिया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके ब्रेन को हैक कर लेता है, एक दिन दो दिन एक घंटे पांच घंटे के लिए आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेता है। तो ये एक सीन है, और अभी जितने भी मैं एग्जांपल बताऊंगा वो सबके सब हमने उस घटना को देखा है। मेरे पास कई सारे, मतलब जहां पर अभी हम पोस्टेड हैं वहां पर इस तरह के आवेदन आते रहते हैं, ठीक है। देखिए अब ये सबसे अभी बहुत ही ज्यादा घातक है और अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, सेक्सटॉर्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि किसी अनजान व्यक्ति का सीधा डायरेक्ट वीडियो कॉल आता है, वो व्हाट्सएप पर आए या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल आता है, और वीडियो कॉल जैसे ही आप रिसीव करते हैं तो उधर से कोई एक लड़की होती है जो पूरी तरह से न्यूड होती है या फिर न्यूड होने लगती है, और जब तक कि आपके साथ, जब तक आपको कुछ समझ आता है तब तक आपके साथ स्कैम हो चुका होता है। वो तुरंत उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेता है और आपके व्हाट्सएप पर तुरंत ही उसको शेयर कर देता है, और आपसे डिमांड किया जाता है कि देखो ये तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और अब इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे, अदरवाइज अगर तुम हमको पैसा नहीं देते हो तो। अब ये पैसे का डिमांड करने लगता है, और हर किसी को खास करके इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आप किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और वो न्यूड है,
तो अपने बदनामी के डर से होता क्या है कि आप उसको पैसा देना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे आप उसको पैसा देना शुरू करते हैं वो और पैसे की डिमांड करती है, और फिर पैसा देते हैं फिर और वो पैसे का डिमांड करता है, और इस तरह से आपको लूटा जाता है। ऐसा हमने केस देखा है, लगभग 6-7 लाख रुपया एक बंदा का इसी तरह से ले लिया गया, और जब उनको लगा कि एक्चुअल में मेरे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है और उसके पास अब पैसा भी नहीं बचा, तब जाकर के उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट रिपोर्ट किया। देखिए बेसिकली क्या होता है इस एक्सटॉर्शन में कि उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपके वीडियो को वायरल किया जाए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि इस तरह का कोई वीडियो वायरल हो गया हो और उसकी बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई हो? नहीं, वो उनको डराता है, धमकाता है और ऐसे ऐसे पैतरे को अपनाता है कि वो बंदा मतलब अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है, उसे लगता है कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। और इस चीज के एक दो मेरे दोस्त भी शिकार हो चुके हैं, तो इनसे जरा बच करके रहना है सेक्सटॉर्शन से, और कैसे बचना है वो भी हम देखेंगे। अगला है आपका फिशिंग, ये बिल्कुल ही नया वर्ड आ रहा है फिशिंग। अब ये वो वाला फिशिंग नहीं है, मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है फिशिंग। बेसिकली फिशिंग में क्या होता है कि जिस तरह से मछली को फंसाने के लिए फेक चारा डाला जाता है और मछली को लगता है कि ओ अच्छा इसको खाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, ठीक उसी तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉडेंट्स क्या करते हैं कि वो चारा फेंकते हैं आपको। चारा इन द सेंस कि मान लीजिए कि वही फ्री का रिचार्ज कर लो, उसके बाद जो है आप यहां से लोन ले लो, या फिर मान लीजिए कि अगर आप ये चीज करते हैं तो आपको ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये तरह तरह के चारा आपको फेंका जाता है और आपको लगता है कि ये तो सही है, और फिर आप जैसे ही उस चारा को निगलने के लिए जाते हैं और फिर आपको वहां पर वो फंसा लेता है। तो ये होता है फिशिंग। और अगला है हमारा लॉटरी। देखिए मेरा एक चचेरा साला है, उन्होंने हमें एक दिन अचानक से कॉल किए कि ऐसा है कि पोस्टमैन ने मुझे एक लिफाफे में बंद करके वो कुछ एक लॉटरी वाला कुछ दिया है हमको, और जब हम उसको खोल करके पढ़ रहे हैं तो मेरा ही नाम है, और कह रहा है कि आपने जो फला जगह जा करके शॉपिंग किया था तो उसमें 3 लकी कस्टमर का जो है नाम आया है, जिसमें कि तीसरा नंबर पर आपका नाम है और आपको जो है लैपटॉप दिया जाएगा, ठीक है। तो और बेसिकली उसमें एकदम पूरी तरह से मेंशन था कि हाँ इस डेट में आपने परचेज किया था, तो अब इनको लगा कि सही बात है, परचेज तो हमने किया है, और सही में उसमें दिया भी गया था कि लकी ड्रॉ के जरिए 3 विजेता घोषित किया जाएगा और आपको पैसा मिलेगा। तो अब देखिए कि किस किस लेवल का जो है ये लॉटरी तरह का स्कैम भी होता है। तो बेसिकली आपको इससे भी बच करके रहना है लॉटरी स्कैम से। और ये OLX फ्रॉड, ये भी हमने इसलिए इसमें मेंशन किया है कि ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, हालांकि उस पर हमने एक लाइव हमने वीडियो कॉल भी किया था और उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड भी किया था, और इसी चैनल पर उस वीडियो को हमने डाला भी है। जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को चेक कीजिएगा, हम उस वीडियो को डाल देंगे लिंक में, आप देखिएगा कि किस तरह से फ्रॉड कैसे क्या करता है। ये OLX एक ऐसा साइट है जहां पर कि आप पुराने सामान को जाकर के बेच देते हैं, OLX पर बेच दो, प्रचार पहले बहुत सुनते होंगे, OLX पर जाकर के बेच दो। तो अगर किसी को कोई पुराना सामान चाहिए होता है तो वो OLX पर जाकर के उनकी खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है कि फ्रॉड अपना ढेर सारे सामान का लिस्ट दे देते हैं और बहुत ही कम रेट में दिखाते हैं वहां पर, और फिर क्या करते हैं कि वो आपको कॉल करते हैं, सॉरी आप उनको कॉल करते हैं और वो फिर आपको कहते हैं कि हाँ सर ठीक है, ये सब सामान है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। वो बंदा एक आर्मी का फोटो लगाया हुआ था अपने प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप प्रोफाइल पर, इन्होंने उनको कॉल किया। उन बंदा का ये कहना था कि चूंकि हम यहां से शिफ्ट कर रहे हैं तो जहां पर हम जाएंगे तो हमारे कैंटीन में बहुत ही सस्ता सस्ता सामान मिलता है, तो वहां पर हम
सामान नया खरीद लेंगे, अब यहां से उठा करके ले जाने का कौन बोझ ले, अब वो सीन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इनको लगा हाँ भाई बात तो सही है, कैंटीन में सस्ता सामान मिलता है, ये वहां जाके खरीद लेगा तो इसीलिए ये सस्ता में बेच रहा है। तो वहां पर ढेर सारा चीज जैसे कि एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, उसके बाद डाइनिंग टेबल हो गया, प्लंग हो गया, बेडशीट हो गया, कई सारे चीज थे जो कि एक रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, वो सारा चीज लिस्ट बना करके वो भेजा था। अब इनको आ गया लालच, सामान लगभग 1.5 से 2 लाख का था और यहां पर जो है वो 60,000 के समथिंग मेंशन कर रहा था। अब ये क्या कहे कि सर ऐसा है कि इन सबको शिफ्ट करके हम भेजेंगे, लेकिन जो कुरियर वाला है वो एडवांस में पैसा लेता है, आप सर इतना पैसा भेज दीजिए। अब उन्होंने पैसा भेज दिया, अब पैसा भेज दिया तो फिर कहा कि सर ऐसा ऐसा है कि ये चार्ज अभी हमने अभी जस्ट पता चला है वो इंक्लूड नहीं था, आप ये सब भेज दीजिए फिर हम आपको सामान यहां से भेज देंगे। उस पैसा को भी भेज दिया, उसके बाद फोन कर रहा है, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ये सब फ्रॉड हो रहे हैं और अंत में हम ये जानेंगे कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिकॉशन लेना है, मतलब पहले हमको सावधानी बरतनी है। वो क्या सब सावधानी बरतनी है, सबसे पहला चीज समझ लीजिए ध्यान से, अगर किसी भी अननोन नंबर से आपको किसी भी तरह का कोई लिंक आता है आपके मोबाइल पर या फिर आपके पीसी पर या फिर आपके ग्रुप में किसी भी तरह का कोई भी अननोन कोई लिंक आता है कि आप इस पर क्लिक करो आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, या फिर किसी भी तरह का कोई लुभावना दे रहा है कि धमाका ऑफर ये वो वगैरह वगैरह, आप उस पर जाकर के क्लिक नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज है वो जो मैंने सेक्सटॉर्शन वाली बात बताई थी, उसमें क्या करना है कि अगर आपके नंबर पर किसी भी तरह का कोई भी अनजान कॉल से वीडियो कॉल, खास करके वीडियो कॉल अगर आता है तो आपको किसी भी कंडीशन में उसको रिसीव नहीं करना है, और अगर रिसीव करना भी है तो आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, रिसीव करके बस ये ऐसे कर देना है, ठीक है। आप देखें पहले कि वो बंदा कौन है, उसके बाद आप फोन कॉल पर वहां पर आप आए। उसके बाद आपका आप ये मान करके चलिए कि आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है, आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपका डेटा कई जगह जा चुका है, इसलिए आप ये प्रयास करें कि आप अपने मोबाइल का जब आपको जरूरत हो तभी आप उनका इंटरनेट एक्सेस करें, अदरवाइज आप उसको हमेशा इंटरनेट मोड पर नहीं रखें। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, देखिए ये इसका एल्गोरिथम इतना आजकल इंटेलिजेंट हो गया है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि एक दिन मुझे ड्यूटी के लिए निकलना था और मेरा रुमाल मिल नहीं रहा था, तो मैं 2-3 बार रुमाल बोला कि भाई रुमाल मेरा कहाँ है, रुमाल मेरा कहाँ है। अब क्या हुआ कि AI उसको सुन रहा था और जब मैं ऑफिस पहुंचा मोबाइल खोल करके, जैसे ही वो फेसबुक मैंने खोला तो अब क्या मैं देख रहा हूं कि मोबाइल पर वो रुमाल का ऐड आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जो कुछ हम बोल भी रहे होते हैं वो उन चीजों को वो एक्सेस कर रहता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप भले ही उस कमरे में अकेले हो लेकिन कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा है। तो इसीलिए इनसे थोड़ा थोड़ा आप अपना दूरी बना करके रखें, जरूरत पड़े तो ही आप इंटरनेट का यूज करें। और उसके बाद अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी अगर कॉल आता है और आपको बताता है कि सर आपको ये, सर आपको वो, आपका जो है ये जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, सर आप चाहते हैं कि आपका बंद ना हो तो आप ये करें, उन सब झांसे में बिल्कुल नहीं आना है, उसको कोई सफाई भी नहीं देनी है, सीधा कॉल कट करना है, दोबारा कॉल करें तो भाई हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो करना है कर दो, कहानी खत्म। अच्छा, इनकेस अगर आपके साथ किसी तरह का कोई घटना हो जाती है, इनकेस अगर आपके साथ किसी तरह का कोई घटना हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, जरा सा भी पैनिक नहीं होना है, जो होना था सो हो गया है। अब आपको क्या करना है, इमीडिएट तुरंत उसके जस्ट बाद ही आप जो है 1930 पर आप कॉल करेंगे, तुरंत आप 1930 पर कॉल करेंगे, आप अपना जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है उनको आप बताएंगे, या फिर आप इस साइट पर जाएंगे www.cybercrime.gov.in, इस पर जाकर के आप अपना कंप्लेंट दर्ज करेंगे। और उसके बाद आप
अभी अभी हर जिला में एक साइबर थाना को खोला गया है, तुरंत जाकर के आप रिटर्न एक वहां पर आवेदन डालिए कि हमारे साथ इस तरह का स्कैम हो गया है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर उस तरह का मामला हो, सेक्सटॉर्शन वाला अगर मामला हो, तो उस कंडीशन में लोगों को लगता है कि भाई कैसे मैं लोगों को बताऊं, लेकिन नहीं, आप तुरंत ही अगर आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, तो पहली बात तो आप उनको एकदम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना कि भाई मेरे पास एक भी रुपया नहीं है तो मैं कहां से डालूंगा, आप कुछ भी कर लोगे, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर आप मेरा वीडियो वायरल भी कर दोगे तो मैं कहीं से पैसा का अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा। और तुरंत आपको जाकर के करना है कंप्लेन, और अगर आपके आसपास कोई भी कोई ना कोई तो आपके संपर्क में बुद्धिजीवी लोग होंगे जो इस चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, आप तुरंत उनको ये बात बताएं कि मेरे साथ इस तरह का स्कैम हो चुका है, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप बच सकते हैं। कई केसेस में ऐसा हुआ है, नॉर्मली आपका पैसा रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इनकी आइडेंटिटी फेक होती है, इनका आधार कार्ड फेक होता है, जो सिम होता है वो फेक होता है, जिस अकाउंट पर ये पैसा मंगाता है वो सबका सब फेक होता है। पता चलता है कि अगर पुलिस को किसी तरह का क्लू मिल भी गया, जब ये उनके पास जाता है तो वहां पर इनको कुछ नहीं मिलता है। जिस बंदे का नाम होता है वो बेचारा अपने फकीर होता है, अब उसको क्या करोगे, तो सबका सब फेक होता है, तो नॉर्मली पैसा मिलता नहीं है। लेकिन अगर इमीडिएट हम 1930 पर कॉल करेंगे तुरंत, और वो तुरंत एक्शन मोड में अगर आता है, तो क्या होता है कि जिस अकाउंट में आपका पैसा मंगाया गया उसको तुरंत वो ब्लॉक कर देता है, तो आपका पैसा मिलने का चांसेस बन जाता है, और कई केसेस में पैसा रिकवर भी हुआ है। जैसे कि अभी एसपी ओसवाल के केस में 7 करोड़ रुपया का फ्रॉड हुआ था, तो वहां पर 5 करोड़ 25 लाख रुपया का रिकवरी हो चुका था। तो चूंकि वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमें धैर्यपूर्वक इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।